ये खबर प्रतापगढ़ शहर के लिए एक गौरवमयी क्षण है। प्रतापगढ़ शहर की चिप्पड़ परिवार की पुत्रवधू श्रीमती मोनिका चिप्पड़ ने 131 उपवास की तपस्या पूर्ण करी है। इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इन्होंने एक दो दिन नहीं पूरे 131 दिन यानी लगभग 4 माह और 11 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। केवल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले गर्म पानी से इन्होंने अपना जीवन चलाया और ये गर्म पानी भी निश्चित मात्रा में लिया गया। इस तरह की कठिन तपस्या को पूरी करने पर प्रतापगढ़ की इन जैन श्राविका को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अवार्ड मिला है। इसके पहले कीर्तिमान रतलाम की निर्मला नाहर के नाम था, जिन्होंने 125 उपवास की तपस्या पूर्ण की थी। 131 दिनों तक लगातार उपवास करने पर प्रतापगढ़ के विभिन्न सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों की ओर से इनका अभिनंदन किया गया। साधु मार्गी जैन श्रावक संघ की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देश भर से लोग आए। तब अभिनंदन समारोह के इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद नागर, नगर परिषद सभापति कमलेश डोसी, सुरेंद्र जी बोधिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमंत नागर ने इस मौके पर कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए एक दिन भी भूखा रहकर तप करना मुश्किल होता है, पर इन्होंने 131 दिन तक तप करके और आराधना की, जो वास्तव में तपस्या की पराकाष्ठा है। गौरतलब है कि जैन धर्म में तपस्या का विशेष महत्व है। 10-20-30 दिन की तपस्या के उपवास की तपस्या कई श्रद्धालु करते हैं, लेकिन इतनी लंबी तपस्या अपने आप में कीर्तिमान है। इस कीर्तिमान को देखते हुए मौके पर मौजूद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि मनोज शुक्ला ने इन्हें कंपनी की ओर से प्रमाण पत्र दिया। यहाँ पर बताया गया कि अन्न नहीं लिया गया है, केवल कुछ मात्रा में पानी का लिया गया है, जो कि गर्म पानी जो कि जीवित रहने के लिए नेसेसरी है, केवल उतनी मात्रा ली गई है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि एक दिन का उपवास भी महिलाएं जब करती हैं तो अगले दिन उनका शारीरिक रूप से जो क्षमता है वो कम हो जाती है, लेकिन 131 दिन का उपवास करना और इस रूप में करना अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मेडिकल के रूप में जो भी है कि क्या कर सकते हैं कितना है, शारीरिक क्षमता के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि क्या होता है बॉडी धीरे धीरे वसा मेल्ट करती रहती है और उसके हिसाब से रह सकती है। लेकिन 131 दिन तक जीवित रहना और बिना आहार के आदमी को बहुत कमज़ोर कर देता है, और ये शरीर की और मानसिक जो स्थिति होती है और दृढ़ता होती है उसी के बल पर किया जाता है। हमारे पास एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी यहाँ के माध्यम से, जिसमें कि बताया गया था कि मोनिका जी 131 दिन का उपवास पूरा करने वाली हैं, क्या उसे दर्ज किया जा सकता है। और पुराना जो रिकॉर्ड था एक्चुअली में वो निर्मला नाहर करके हैं, जो कि रतलाम की थी, उनके नाम से दर्ज है, जो 125 दिवस का है। ये सारी चीज़ देखते हुए प्रोसेस को, चूँकि ऑन द स्पॉट है, ऑन द स्पॉट में करते हुए इसे लेकर के यहाँ पर आज मैं आया हुआ हूँ। और आज चूँकि ये एक उपवास वाला जो कार्यक्रम है, ये एक धार्मिक प्रोग्राम है और इसमें झूठ की कोई गुंजाइश तो होती नहीं है, तो हमें कोई शंका ही नहीं है कि ये कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखते हुए हम इसका फाइनल सर्टिफिकेट आज यहाँ पर जारी कर रहे हैं, जो कि 131 दिवस का है।